है। तो मैंने आपसे एक आइडिया पूछी थी, बातें ना करे कोई भी, मैंने आपसे एक आइडिया पूछी थी कि हम लोगों को फूलों की माला बनाने वाला एक मशीन बनाना है, तो जो प्रोसेस है उसको मैकेनाइज करना है, मैकेनाइज करना है इन द सेंस कि ज्यादा मेहनत ना हो, मेहनत तो करना पड़ेगी, ऐसा एकदम फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन तो आप बना नहीं सकते, माला बनाने का फुल्ली ऑटोमेटेड तो नहीं बना सकते। देखिए, अगर हम लोगों ने फूलों की माला बनाने वाली मशीन बना लिया, सपना दिखा रहा हूं आपको, इंडिया में इमेजिन करें कितने टेंपल्स हैं, बड़े बड़े टेंपल्स के इमेजिन करें, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी हो गया, बड़े बड़े, तो वहां पे देखिए कितनी मालाएं बनती होगी, कितनी मालाएं बनती होगी, कितनी मालाएं बनती होगी। तो अगर आप लोगों ने एक ऐसी मैकेनाइज प्रोसेस बना ली कि जिससे माला तुरंत में बन जाए, तुरंत में बन जाए, तो इतने सारे वो मशीन एक तो पूरे वर्ल्ड में खरीदी जा सकती है, उसका पेटेंट आपने पास रखे, हो सकता है कोई कंपनी आपसे वो पेटेंट खरीदना चाहे, तो आप उसको मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में बेचे, वो पेटेंट उनको देने के बाद वो उसको और सुधारेंगे और उसके बाद उनके नाम से बेचेंगे, लेकिन पैसे तो आपको मिलेंगे। तो आपको बस एक ऐसा प्रोसेस ढूंढना है जिससे माला बन जाए। देखिए, दुनिया में हर चीज बनाने का मशीन बन चुका है, लेकिन माला बनाने का मशीन नहीं बना है। सोचे, दिमाग लगाएं, थोड़ा सा फिजिक्स लगाएं उसमें, थोड़ा सा आपका मैकेनिक्स लगाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि माला बनने वाली मशीन बना सकते हैं। सोचे कैसे बना दें, अगर आपने बना लिया, एक साल लगा, दो साल लगाओ, लेकिन 100% इफिशियंट बन गए, तो समझना आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और याद रखना, देखिए हमको फूल सस्ते में मिलते हैं, ए भैया हमको फूल लेने, जो फूल होते हैं ना फ्लावर्स, वो सस्ते में मिलते हैं, लेकिन वो माला बनाने में मेहनत लगती है ना, इसलिए उसका, जैसे हमको मिल गया 60 रुपए किलो फूल मिल गया, तो उससे हम लोग कम 60 रुपए किलो फूल मिल गए, उससे कम से कम हम लोग 7-8 माला बना सकते हैं, लेकिन वही एक माला बेचते हो 100 रुपए में, 150 रुपए में, 60 रुपए में, 20 रुपए में, तो वही अगर आप मैकेनाइज प्रोसेस से करेंगे तो कॉस्ट कम होगा, तो लोग खरीदेंगे। यू कैन बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ माला ऑल्सो, आप है ना, एक ऐसा जैसे होता है ना, बात समझिए, एक्सपोर्ट का एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे अपना अपने यहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया में है ना जो कुरियर लेके जाने वाला काम करता है, कुरियर, वो अच्छी सी कंपनी है जो सिर्फ कुरियर्स को पास करने का काम करती है, अच्छी सी कंपनी, हाँ वैसे ही कोई कंपनी है ना, वैसे ही आप माला की बना सकते हो आराम से, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपकी कितनी माला जाए, कितनी माला जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एकदम छोटे से छोटे गांव में तक पहुंच गए, तो भले आपको छोटे से छोटे गांव में पहुंचने के लिए आपका है ना प्रॉफिट पर्सन ओनली रहा आपका 1%, यानी 1 रुपया निकल रहा है एक माला के पीछे, एक गांव में से अगर आपको 100 रुपए निकल रहे, इमेजिन करिए कितने गांव है ऑल ओवर इंडिया में, कितने पैसे निकलेंगे। मैं एक माला के पीछे 1 रुपए प्रॉफिट की बात सोच रहा हूँ, यानी अगर वहां पे 10 रुपए मिल रही है तो अपनी माला 9 रुपए में पहुंचेगी, और अपना बनने का कॉस्ट रहेगा हार्डली 4-5 रुपए या पहुंचाने का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, सोचिए कितना मिलेगा। बहुत अच्छा बिजनेस है, सोचिए क्या कर सकते हैं, आइडिया दे दी आपको, यानी आप कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो ऑब्वियसली इनमें से कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा, है ना, ठीक है। सोचे, मैं लगे तो आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, जैसे मैंने सोचा है हम लोग इन्हें कैसा एक पाथ बना सकते हैं, पाथ जिसमें ना आपको एक मेहनत करना पड़ेगी कि उसमें आपको ना फूल ऐसे लगाने पड़ेंगे, सिर्फ फूल रखना पड़ेंगे, और यहाँ पे एक निडल होगी, निडल और याद रखिए इसमें धागा भी होगा ऐसा, बस ये ऐसे चलते जाएगी पटरी, ये फूल में घुसेगा आराम से, ऐसे घूमने निकलेगा, और बाद में बस एक आदमी रहेगा वहां पे, जैसे उसको लगे माला निकले कंप्लीट हो गई, वो काटते रहे काटते रहे, बनाओ प्रोसेस बनाओ इसको, और भी देखिए आपको यहाँ पे काम है फूल रखना है, एक फूल रखने वाला, बस उठा फूल रखो, उठा फूल रखो, उठा फूल रखो, यानी इसका एक कॉस्ट रहेगा कि आप अलग अलग कलर की माला बना सकते हैं, आपके 3 फूल हो गए इसके, सपोज आपने इसके डाले क्या मैरीगोल्ड के, तो 3 फूल आप जिससे जा सकते हैं, चौथा फूल और अलग अलग प्रकार के बनेंगे, है ना, उसका भी वो भी काम हो सकता है, ये भी हो जाएगा, ऊपर से आपको जिस दिन की चाहिए उस दिन से आप काट भी सकते हो, फुल्ली मैकेनाइज बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट है, देखो फिर कैसे कर सकते हो, लगाओ दिमाग, अल्टीमेटली यू कैन बिकम अ किंग ऑफ फ्लावर इंडस्ट्री।
गोली वड़ा पाव एक फ्रेंचाइजी है, यानी ऑल ओवर इंडिया में गोली वड़ा पाव है, जैसे डोमिनोज पिज्जा है वैसे केएफसी है, वैसे ही है ना, वैसे ही आप लोग, वैसे ही आप लोग है ना इसकी भी फ्रेंचाइजी बना सकते हो, कुछ नहीं माला की, और आपकी जो माला है, जो आपकी माला है वो अलग अलग जगह वहां पर पहुंचाना है, लोग वहां से खरीद के लेके जाएंगे। उसमें ड्रॉबैक भी रहेगी कि आपके फूल तो आपको है ना जो आपकी है दुकान है वहां पे रेफ्रिजरेशन का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिस व्हीकल से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी रेफ्रिजरेशन होना चाहिए ताकि आपके फ्लावर्स खराब ना हो और फ्रेश फ्रेश जाए। हो सकता नहीं नहीं वो खरीदना है, मैंने बोला ना प्रॉफिट इज ओनली 50 पैसे पर माला, 50 पैसे पर माला। आप एक दिन में अगर 1 लाख एक माला बेच रहे हो तो आपके 50,000 रुपए बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, 50 पैसे पर माला, 50 पैसे की बात कर रहे हैं, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस लेकिन छोटा मुनाफा, 50 पैसे पर माला, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये था आइडिया आपको दे दिए, आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे नॉर्मैलिटी के बारे में, आज हम लोग सीखेंगे नॉर्मैलिटी के बारे में। ऑन तो है, हाँ ऑन तो है बेटा, हाँ बोलो बेटा, किसका बर्थडे है? अरे उनके लिए बर्थडे सॉन्ग आएंगे, चलो अरे दोनों के लिए बर्थडे सॉन्ग आएंगे, चलो चलो एक बार बर्थडे सॉन्ग गाते, चलो चलो। हैप्पी बर्थडे, अभी कोई मस्ती करते हुए पकड़ा गया उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अभी हम लोग नॉर्मेलिटी को सीख रहे थे, ठीक है, देखना ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग धीरे धीरे पढ़ाने वाला है इसलिए थोड़ा ध्यान से सुना। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अभी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बातें नहीं अभी number of gram equivalents present in 1 liter of solution, present per liter of solution, समझ में आ रहा है, per का मतलब one, समझ में आ रहा है ना, per liter of a solution, number of gram equivalents present per liter of solution, that is called as normality। क्या बोला आपका, नॉर्मैलिटी। अगर किसी को नाम पसंद आ गया तो अपना नाम बदल के नॉर्मैलिटी कर रॉगल्स ऑप्शन दे रहे तुम्हारे लिए, है ना, तो आप बोल सकते हैं नॉर्मैलिटी पे है, नॉर्मैलिटी में भी लोग बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना हाथ पे से अल्फाबेट बनाते ए बी सी, तो एन बना रहे समझ लेना नॉर्मैलिटी के लिए बना रहे, बात समझिए यहां पे, बात समझिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट इज नॉर्मैलिटी। अभी नॉर्मैलिटी को समझने के लिए हम लोग पहले मोलैरिटी समझते हैं, देखिए, और नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी को समझने से पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो फिर से आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट एक बार पेश करते हैं। हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये था आपका, वही आपने बोला था मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ये था आपका मोलरिटी, जिसको मोलार बोलते हैं, मोलार। वैसे ही हमने सीखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या सिर्फ मैं इसको इक्विवेलेंट्स भी बोल सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट से बोलोगे आपका इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेटिंग ग्राम डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। समझ आ रहा है ना? तो यहां पे बस मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, यहां पे क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। जैसे मोलारिटी होता है वैसे ही नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंस, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर क्या बोलेंगे हम लोग आपका वॉल्यूम इन लीटर्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड एज मोलारिटी। इसी प्रकार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। समझ में आ रहा है? मोलारिटी क्या बोला आपका? नॉर्मेलिटी। समझ में किसको दिक्कत है क्या? अभी आपको यह भी मालूम है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, मोलारिटी एम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इसको यहां पे पुट कर दिया ना, ऐसा है। और इसी को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं भैया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। उसी प्रकार आप नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू बोलेंगे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, और इसी को आप इक्विवेलेंस बोलते हैं ना, या ग्राम इक्विवेलेंस। समझ में आ रहा है? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड एज मोलारिटी। बात समझ में आई? तो चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन है कि फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्वड, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्वड इन 10 लीटर सॉल्यूशन। चलो फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्वड इन 10 लीटर सॉल्यूशन। Also find its molarity. Also find its molarity. चलो सॉल्व करके दिखाओ। 98. ठीक बता, नॉर्मेलिटी कितनी आई? नॉर्मेलिटी कितनी आई? कितना आया? 4.9 नॉर्मल्स। समझ में आ रहा है? और मोलारिटी कितनी आई? 0.1 ना? बोलो क्या? मोलर। चेक करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखिए क्या है, साक्षी जी क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, YouTube वाले यहाँ पे देखिए। Find number of moles, find normality ना, find normality, जब आपका 98 ग्राम H2SO4 is dissolved in कितना बोला आपका? 10 liters of solution। क्वेश्चन है 98 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया कितने लीटर सॉल्यूशन में? 10 लीटर सॉल्यूशन में। उसकी नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी फाइंड करना है। तो पहले देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज इक्वल टू 98 यूनिफाइड मास एक मॉलिक्यूल का बोल। अभी देखिए आप मिलते हो मोलारिटी, पहले मोलारिटी बात करेंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। समझ में आ रहा है? या नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या बोलते हो? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। क्लियर है? तो वेट इन ग्राम कितना दिया है? 98। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 इनटू कितना दिया है? 10। समझ आ रहा है? तो 98 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलर। मोलारिटी मिल गई। अभी आपको क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू, हाँ बोलो बेबो जी, कुछ तो बोले आप ना, 98 क्यों है, कुछ बोले? 98 दिया ना बेटा, अपने 98 क्यों दिया पूछ रहे क्या? हाँ ये मॉलिक्यूलर मास है ना इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98। तो वेटिंग ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है ना? ये होता है, हाथ रंग के हो गए तो देखो यहाँ पे देखे फिर ये कौन सा निकालना हो गया, पूरा हाथ ही रंग दिए, खून किसका खून करके आया, खून करके आया
अभी नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है हमने देखा था, क्या बोला जैसे बोला आपका इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय बोलो क्या आपका वॉल्यूम इन लीटर्स या ग्राम इक्विवेलेंस ना, और ग्राम इक्विवेलेंस के लिए आप क्या बोलते हैं बोलो आपका वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम लीटर्स के नहीं। तो देखिए आपको वेट इन ग्राम कितना दिया है 98 और इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 49, मालूम है ना सल्फ्यूरिक एसिड का 49 इनटू क्या करेंगे बोलो आपका 10 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.2 नॉर्मल, समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ कौन बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है मुझे बताओ, कौन बड़ा होता है मोलैरिटी की नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी पगला गए होगे तुम लोग, कौन बड़ा होता है मोलैरिटी की नॉर्मेलिटी, देखो नॉर्मेलिटी बड़ी है और मोलैरिटी क्या मतलब की छोटी है, इतना तो पक्का हो गया कि नॉर्मेलिटी बड़ी है। तो ये होगा आप देखिए ऐसे बोलते हैं रिलेशन बोल रहा है रिलेशन है रिलेशन, वो बादशाह का गाना नहीं क्या रिलेशनशिप, तुमको मालूम है कुछ रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, पता नहीं कौन से जनरेशन के बच्चे हो, योर टीचर नोस बट स्टूडेंट डजंट नोस, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, किसको मालूम है रिलेशनशिप सॉन्ग, एनीवन, वो बादशाह का सॉन्ग है, बादशाह नहीं भाई सॉरी नॉट बादशाह नहीं है वो दूसरा कोई भी है, माय मिस्टेक सॉरी, कोई नहीं चलो ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना रिलेशनशिप बिटवीन, ओए रिलेशनशिप बिटवीन हर्षल इंगोले इधर देखो इधर देखो रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी बड़ा है कि नहीं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फैक्टर, क्या बोला आपका फैक्टर इनटू बोलो क्या आपका मोलैरिटी, फैक्टर इनटू बोलो क्या आपका मोलैरिटी, यानी देखो शे भैया इधर देखो यहां पे देखिए मुझे नॉर्मेलिटी निकालना है, अभी देखिए फैक्टर कितना है बेसिसिटी के लिए 2 है कि नहीं 2 इनटू क्या बोला आपका मोलैरिटी दैट इज इक्वल 2 इनटू 0.1 दैट इज इक्वल 0.2 नॉर्मल, समझ आ रहा है ना, नॉर्मेलिटी हमेशा बड़ा है तो नॉर्मेलिटी को अगर फाइंड करना है मोलैरिटी से तो मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टर से, समझ में आ रहा है, और फैक्टर से क्यों, क्योंकि देखिए ना यहां पे आपने किससे डिवाइड किया है मॉलिक्यूलर मास से, और यहां से किससे डिवाइड किया बोलो अपने इक्विवेलेंट से, अगर दो लोग इक्वेट करेंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा ना, लगे तो मैं इक्वेट करके दिखाऊं, देखिए इक्वेट करे तो देखिए मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी चलेगा, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू बोलो भैया वेट इन ग्राम, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय बोलो क्या आपका मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, है कि नहीं, होल थिंग डिवाइडेड बाय फिर से वही रहेगा ना, मॉलिक्यूलर डिवाइड कर रहे ना, ऐसे कैसे शक्ल बना रहे हो तुम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय बोलो क्या आपका इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, समझ में आ रहा है, देखिए वेट इन ग्राम तो सेम है 19 कट गया, वॉल्यूम लीटर भी क्या है सेम कट गया, तो आपको वही मिलेगा मोलैरिटी m डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी इज इक्वल क्या मिलेगा इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय बोलो क्या आपका मॉलिक्यूलर मास, समझ में आ रहा है ना, अभी देखिए इक्विवेलेंट मास छोटा होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बड़ा, तो यहां पे क्या आएगा बोलो देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल क्या मिलेगा बोलो मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी इज इक्वल क्या मिलेगा, ये क्या आने वाला है, अभी इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन क्या है, लेकिन इक्विवेलेंट मास यहां पे देखो ना इक्विवेलेंट मास कितना था 49 और मॉलिक्यूलर मास कितना था 98 दैट इज इक्वल 1/2 ना फैक्टर, तो मैं हाफ नहीं बोल रहा हूं दैट इज हाफ क्योंकि दो आपका फैक्टर था ना, तो मैं क्या करूंगा यहां पे 1/फैक्टर, अरे इधर देखो ये 1/फैक्टर देयरफॉर वही मिलेगा आपको नॉर्मेलिटी, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फैक्टर इनटू बोलो क्या आपका मोलैरिटी, समझ में आ रहा है, एनएफएम कौन एनएफएम
एफ एम, समझ में आ रहा है ना? नॉर्मल इज इक्वल टू एफ एम, वाटर इनटू मोलारिटी, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, किसी को प्रॉब्लम? इसे स्टॉप लो फिर इसको। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी देखें इधर हम लोगों ने नॉर्मेलिटी की बात चल रही थी ना, तो नॉर्मेलिटी का एक नॉर्मेलिटी का और मोलारिटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सपोज एक सॉल्यूशन है H3PO4 का, H3PO4 का एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1 नॉर्मल। तो बताओ इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? समझो ना, पहले इस सॉल्यूशन का तुमको मोलैरिटी फाइंड करना है। बताओ, H3PO4 का बेसिस भी, यानी आपके यहाँ पे फैक्टर कितना है? 3। अभी आपने देखा था NFM है ना, आपको मोलरिटी m इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.1/3। समझ में आया सबको? ठीक है, एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। हम लोग बात करेंगे, बातें नहीं अभी, हम H3PO4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो H3PO4 नहीं, थोड़ा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है H3PO4 का? चलो H3PO4 की बात करेंगे। H3PO4 ये 3 होता है, ये 31 होता है, ये 64 होता है, 4, 5, 7, 8, 98 ठीक है। H3PO4 है जिसमें आपने 90, 90, 180 और 116, 196 ग्राम ऑफ H3PO4 को 0.5 लीटर सॉल्यूशन में डाला हुआ है, 0.5 लीटर सॉल्यूशन में डाला है। तो पहले बताएं इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, पहला पार्ट। दूसरा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं इसके मतलब H3PO4 के। तीसरा, आपको फाइंड करना है नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी, और आपको फाइंड करना है मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है, और आपको फाइंड करना है यहां पे फैक्टर कितना होगा। चलो जल्दी शुरू हो जाओ, इसका आंसर शेजल देगी। शेजल पेट उठाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन को मन की बात है, ये मन में होना चाहिए। सब सॉल्व करके बता रहे हैं, बात समझे। देखिए क्वेश्चन है 196 ग्राम ऑफ H3PO4 इज डिसॉल्वड इन 0.5 सॉल्यूशन, 0.5 लीटर सॉल्यूशन। आपके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एंड फैक्टर निकालना है, समझ में आ रहा है? फैक्टर देखिए, आज का सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं तुम्हारे लिए। पहले अभी देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 दैट इज इक्वल टू 98 यूनिफाइड मास, अभी हमने निकाला, क्लियर है? अभी देखिए आपको निकालना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय बोलो आपका मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इन ग्राम कितना बोलो आपका? 196 अपॉन 98, दैट इज इक्वल टू कितना? 2 मोल्स। समझ में आ रहा है? 2 मोल्स मिल गया आपको, कितना मिल गया आपको? 2 मोल्स। उसके बाद देखिए अभी आपको क्या निकालना है,
इक्वेलेंट्स ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट, दैट इज कितना बोला आपका वेटिंग ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। देखिए इट्स वेरी सिंपल, 6 आना चाहिए, इक्विवेलेंट 6 आना चाहिए, 6 हां समझा दे, वेटिंग ग्राम कितना बोला आपका 196 और यहां पे आपका इक्विवेलेंट वेट कितना है 48 इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे ना, यहां पे लिखूं मैं 30.2 इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना है फैक्टर 3 है ना, डिवाइडेड बाय 3 36 18 65.65 हां 36 18 ना, अब 16 बचे, 35 15 33 रिकरिंग, समझ में आया 65.3 ना, 65 पकड़े आपका, 65 से डिवीजन करो कितना आ रहा, बोलो मुझे डिवीजन कितना आ रहा डिवीजन, हां 3 उसके बाद आपको क्या निकालना है बोलो भैया, मोलैरिटी निकाले पहले, तो मोलैरिटी m is equal to नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटरेस्ट कितना है बोलो आपका 0.5 दैट इज कितना बोलो आपका 4 मोलार, आया समझ में, उसके बाद आपको निकालना है नॉर्मेलिटी, हमने किस करा NFM ना, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12 क्या बोला आपका नॉर्मल, समझ में आ रहा है, और आपका यहां पे फैक्टर कितना है 3 क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो चलो मुझे एक रिलेशन बना के दिखाओ, मुझे नंबर ऑफ मोल्स में एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स में, नंबर ऑफ मोल्स में एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या रिलेशन है शो करना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या रिलेशन है वो बना के दिखाना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स में, नंबर ऑफ मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या रिलेशन वो बनाना है जल्दी से, देखो बात को, ए देखो बात को, जैसे हमने अभी रिलेशन निकाला नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू फैक्टर इनटू मोलैरिटी, फैक्टर इनटू मोलैरिटी, तो अब आपको रिलेशन निकालना है नंबर ऑफ मोल्स में एंड ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट, आप ऐसे बोल सकते हैं यहां पे नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या बोला आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, क्लियर है, तुमने बहुत घुमा फिरा के लेके आएगा, दैट इज इक्वल टू फैक्टर, और मोलैरिटी क्या बोला आपके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, तो वॉल्यूम इन लीटर क्या हो गया आपका कैंसिल, वही बोलेंगे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, समझ में आया क्या, सेम नहीं है वो कॉन्सेंट्रेशन था, ये ग्राम इक्विवेलेंट में, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं, ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 नॉर्मल, एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 नॉर्मल और उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपका 1 नॉर्मल और वॉल्यूम कितना बोला आपका 1 लीटर, अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, 1 लीटर क्या कर रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड करने के बाद जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो बता, वाटर देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 नॉर्मल
और आपका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यानी आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 नॉर्मल लगे, तो तुम्हारे लिए फील देता हूं ये बीकर, समझ गया मैं। देखो ये बीकर उठाया, इस बीकर में देखो फिर से दिखाने को, देखो ये देखो बीकर, देखो बीकर दिख रहा है, इस बीकर में आपका 1 लीटर एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, 1 लीटर एक नॉर्मल सॉल्यूशन। अब इसमें फिर से आप 1 लीटर पानी डाल रहे हो, अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन। अब जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो बताओ जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.5 नॉर्मल ना, जैसे आपने कल मोलैरिटी के लिए किया था वैसे नॉर्मलिटी के लिए करेंगे, क्या बोला आपका चलता है, N1V1 is equal to N2V2, इनिशियल नॉर्मलिटी कितनी थी 1, वॉल्यूम कितना था 1, फाइनल नॉर्मलिटी तुमको मालूम है क्या नहीं, लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना 2 लीटर हो गया ना, 1 लीटर प्लस 1 लीटर दैट इज इक्वल टू N2 is equal to 0.5 नॉर्मल। समझ में आया, समझ में आया, और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, ये हटा दूं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, आपके पास ठीक है ना, आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आपके पास है ना सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए दिख रहा है ना, सॉल्यूशन ए जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 2 नॉर्मल, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 नॉर्मल, और उसका आपके पास वॉल्यूम है 2 लीटर, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। अभी इससे आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हो 1 नॉर्मल, कितना बोलो आपका 1 नॉर्मल, तो बताओ इस सॉल्यूशन में तुमको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, आराम से करें, क्वेश्चन समझा बेटा, यहां पे ए सॉल्यूशन है जो 2 लीटर है, अरे हाँ 1 मिनट देखो कॉन्सेप्ट को समझे, बाद में लड़ते बैठे, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, देखो यहां पे इधर देखो 2 लीटर है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 नॉर्मल, अभी आपको इसमें एक इतना वाटर ऐड करना है ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए 1 नॉर्मल।